अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स, आप सबका खैर मकदम है। आज हम बना रहे हैं पिज़्ज़ा पराठा। जी हाँ, ये देखिए बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही यमी आज हम तैयार करेंगे पिज़्ज़ा पराठा। बहुत ही आसानी से ये घर में तैयार हो जाता है और बहुत ही हेल्दी, बच्चों के टिफ़िन के लिए बहुत ही बेहतरीन है। अगर ये रेसिपी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। पिज़्ज़ा पराठा बनाने के लिए यहाँ पर ये देखिए मैंने लिया है गेहूं का आटा, और उसके साथ ही मैंने लिया है मैदा। आधा कप गेहूं का आटा है और आधा कप मैदा। अगर आप चाहें तो पूरा गेहूँ का आटा एक कप आप ले सकते हो। अब मैं इसमें मिला रही हूँ आधा छोटा चम्मच नमक, हाफ टी स्पून ओरिगेनो, यानी आधा छोटा चम्मच ओरिगेनो के साथ ही मैंने मिला दिए चिली फ्लेक्स हाफ टी स्पून, और उसके साथ ही हम इसमें मिलाएंगे एक टेबल स्पून, एक बड़ा चमचा मैंने इसमें मिलाया मेल्टेड घी। घी को थोड़ा सा मैंने पिघला दिया था, अगर आप चाहें तो ऑयल भी मिला सकते हैं। इसके मिलाने से पराठे बड़े ही कुरकुरे तैयार होते हैं। तो अब पहले यहाँ पर घी को पूरे आटे में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका हम डो तैयार कर लेंगे। आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा आटा डालते जाएं, पानी आटे में थोड़ा थोड़ा पानी हम डालेंगे। ये देखिए डो हमारा तैयार हो गया है, बिल्कुल परफेक्ट। मैंने इसे बिल्कुल सॉफ्ट नहीं रखा है और ना ही ज़्यादा हार्ड, बिल्कुल जिस तरह हम घर में पराठों के लिए आटा गूंदते हैं बिल्कुल उसी तरह का इसे मैंने गूंद लिया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देंगे। यहाँ पर आधा कप मोज़रेला चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है। अब इसमें मैं मिला रही हूँ पाव छोटा चम्मच ओरिगेनो, साथ में थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, ये भी क्वार्टर टी स्पून पाव छोटा चम्मच है। इनको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इसकी फिलिंग तैयार हो गई। अब इसके साथ ही इसमें मैं मिला रही हूँ 2 टेबल स्पून, 2 बड़े चमचे बॉयल कॉर्न है। ये कॉर्न को मैंने हल्का सा नमक डाल के बॉयल कर लिया था, उबाल लिया था। इसे भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, आटा बिल्कुल अच्छे से हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके हम पराठे बनाएंगे। तो थोड़ा सा हल्का सा मैं इसे मसल लेती हूँ। देखिए जिस तरह हम पराठों के लिए लोई तोड़ते हैं बिल्कुल इसी तरह हम लोई बना लेंगे और फिर इसका हम पराठा बेलेंगे। मीडियम साइज़ के मैंने बॉल लिए हैं। इस तरह से तमाम पेड़ों को तैयार कर लेंगे और ये मैंने खुश्क आटा डाला। अब इसकी हम पराठा बना लेंगे बड़ा सा। ये पिज़्ज़ा पराठा खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही झटपट घर में तैयार हो जाता है, और उसके साथ सबसे बड़ी बात ये काफ़ी हेल्दी होता है। पिज़्ज़ा बेस की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसीलिए हम आसानी से इसे घर में बना लेंगे। तो ये देखिए ये मैंने पराठा बड़ा सा बेल लिया, इसको हम 2 पीस में कट कर लेंगे। देखिए ये मैंने ना तो ज़्यादा पतला और ना ज़्यादा मोटा बेला है, ये देखिए मोटा नहीं है ये, अगर मोटा रहेगा तो फ्राई करते वक्त कच्चा रह जाएगा। इसको मैंने बीच में से कट कर लिया। ये 2 पीसेस हो गए पराठे के। अब इसके दरमियान में देखिए मैं डाल रही हूँ मोज़रेला चीज़ का जो हमने मिक्सचर तैयार किए हैं, ये डाल देंगे 2 टेबल स्पून भर के इसमें डालेंगे। अब इसके कॉर्नर को सील करने के लिए हल्का सा दूध लगा देंगे। दूध लगाने से ये बिल्कुल अच्छे से चिपक जाएगा। ये देखिए हल्का सा मैंने इसमें दूध लगा दिया। अब इसको हम फोल्ड कर देंगे। ये देखिए कितना बेहतरीन जो है ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये आसानी से बन जाता है। ये देखिए ये तैयार हो गया।
इसको मैंने साइड को सील कर दिया अच्छे से दबा के प्रेस करके। अब फोक की मदद से थोड़ा सा और इसे हम सील कर देंगे ताकि पकाते वक्त जो चीज़ है वो बाहर ना निकले, तो इसको इस तरह हम सील कर देंगे। ये देखिए ये हो गया। तो ये देखिए ये तैयार है हमारा पिज़्ज़ा पराठा। चलिए अब इसे हम सेकते हैं। नॉन स्टिक पैन पे मैंने हल्का सा ऑयल लगाया, आप घी भी लगा सकते हैं, और इसे हम बिल्कुल पलट पलट करके गोल्डन रंग आने तक इसे अच्छे से हम सेक लेंगे। हल्का हल्का ऑयल या घी लगाते जाएंगे, आप चाहें तो बटर भी लगा सकते हैं और ज़्यादा उसमें टेस्ट आएगा। मीडियम फ्लेम पर इसको हमें सेकना है, ना ज़्यादा तेज़ और ना ज़्यादा स्लो। इसे मैं पलट रही हूँ। ये देखिए एक साइड से ये अच्छे से सीख चुका है, अब दूसरी तरफ से भी इसी तरह हम इसे सेक लेंगे। यहाँ पर भी मैं ऑयल लगा देती हूँ, बस काफ़ी है। इसे अलट पलट करके बिल्कुल अच्छे से हम इसे कुरकुरा होने तक सेक लेंगे और इसके कॉर्नर्स को हल्के से प्रेस करते जाएंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए, कच्चे ना रहे अंदर से। बहुत आसानी से ये बिल भी जाता है और सिक भी जाता है और खाने में बहुत ही डिलीशियस, बहुत ही टेस्टी। देखिए इस तरह बस इसको हल्का हल्का प्रेस करते जाएंगे और इसे बिल्कुल अच्छे से हम सेक लेंगे। ये देखिए ये साइड से पूरा अच्छे से सिक चुका, हल्का हल्का ये फूल भी रहा है क्योंकि अंदर की चीज़ जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गई है। तो ये लीजिए तैयार है, देखिए कितना कुरकुरा हो चुका है, ये काफ़ी अच्छे से सिक गया है। अब इसे ये देखिए अलट पलट करके मैंने बिल्कुल अच्छे से सेक लिया है इसे। अब इसे हम निकालते हैं। ये लीजिए तैयार है पिज़्ज़ा पराठा। ये देखिए मैं आपको तोड़ के बता रही हूँ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी। ये देखिए खाने में बहुत ही मज़े का है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, साथ में अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।